आप सबकी फरमाइश पे आज मैं समोसा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तीन बेहद आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी जिसमें रोज समोसा है, रोल समोसा है और समोसा रोल है, जो घर में मौजूद चीज़ों से बड़ी आसानी से जो है तैयार हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी और यम यम से बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के। मौसम ठंडा है तो पता नहीं चल रहा, अल्लाह करे कि ईद भी जो है ना इसी तरह से ठंडी ठंडी गुजर जाए। एक आगाज़ हो गया है कि सर्दियों के रोज़े अब आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस बार ये भी हुआ है कि मिराल ने भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो गई थी रमज़ान के हिसाब से, हमारी रूटीन के हिसाब से, तो सुख दिया और तंग नहीं किया ज़्यादा इसने ना। यह कि मैं जब अफ्तारी वगैरह बनाती हूँ, सहरी के टाइम तो ये सोई होती है, लेकिन जब मैं अफ्तारी बनाती हूँ तो ये किचन में मेरे साथ लगी होती है खेलने के लिए। ये फिर उधर जो करती है करती रहे, फिर मैं अफ्तारी के बाद सारा कुछ समेट लेती हूँ। अभी मैं किचन में आई हूँ अफ्तारी बनाने के लिए। तो आज जो है ना मैं बड़े मज़े के समोसा रोल बना रही हूँ। उसके लिए जो है मैं सामान निकाल रही हूँ, मैदा 1.5 कप लूँगी, ठीक है, और इसमें जो है वो थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और 2 चम्मच जो है ना ऑयल डालूँगी। साथ में चुटकी भर जो है अजवाइन ऐड करूँगी, इससे जो है वो टेस्ट भी अच्छा आएगा और बदहजमी भी नहीं होगी। तो आज हम पट्टियाँ जो है ना घर में ही बनाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि रमज़ान में जो आपके पास फारिक टाइम बचता है ना वो होता है किचन का, ठीक है, बाकी तो इबादत वगैरह में और कुरान पढ़ने में, नमाज़ें पढ़ने में टाइम जो है वो ज़्यादा गुजरता है, और जो दूसरे काम है वो भी आप जो है ना थोड़ा लिमिटेड कर देते हो। बाकी सफाई वगैरह जो किचन की क्लिनिंग होती है ना वो मेरे ज़िम्मे होती है, तो वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। जैसे ही अफ्तारी बनाई समेट दिया सारा, डस्टिंग वगैरह कर दी, और जैसे ही सहरी बनाई समेट दिया सारा और डस्टिंग वगैरह कर दी, बाकी हेल्पर सफाई कर जाती है आके। तो इसलिए ज़्यादातर जो व्लॉग्स है ना मैं आपके किचन से ही शेयर करती हूँ, और क्योंकि बाकी कुरान भी पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादातर अभी बाहर भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मैदा अच्छे से गूंद लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने ऐड करना, ये नहीं कि इकट्ठे सारा पानी ऐड कर दें। और अपनी जो मैदे की डो है ना ये बहुत सख्त रखनी है, बिल्कुल भी नरम नहीं रखनी है आपने। टिप भी है आप लोगों के लिए, इसकी वजह ये होती है कि फिर जब आप थोड़ी देर रखते हो मैदा तो वो पहले ही नरम हो जाता है। तो और दूसरा जो है ना रोटी भी आपकी जो है ना फिर अच्छी बेलती नहीं है जितनी आप बड़ी बनाना चाहो ना, जितनी सख्त रखोगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बेली जाएगी। तो अभी जो है ना जिस बर्तन में मैंने उसको रखा है थोड़ी देर रेस्ट के लिए, वहाँ पे ऑयल लगा दिया है और मैदे के ऊपर भी ऑयल लगा दिया, और उसको थोड़ी देर रेस्ट दूंगी। उतनी देर मैंने आलू जो बॉयल किए थे उसको मैश किया, ज़्यादा तो मैश नहीं किया लेकिन काफ़ी हद तक मैश किया। फिर उसके बाद जो है ना 2 से 3 बल्कि 4 थी सब्ज़ मिर्चें ना, वो मैंने बारीक बिल्कुल कट करके बीच में ऐड कर दी। प्याज भी मैंने साइड पर रखा है, वो मैं बाद में आपको वजह बताऊँगी। इसमें हसबे जायका मैंने नमक ऐड किया, 1 टीस्पून के करीब ही सारी चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ, फिर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। सबसे स्पेशल जो है ना इसमें मैं मेथी ऐड कर रही हूँ सूखी, और वो मैंने फुल 1 टीस्पून डाली है। तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है ना लहसुन पाउडर भी ऐड किया, वो ऑप्शनल है। चाट मसाला भी 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए जो है ना, ताकि हमारे रोल बाइंडिंग में रहें फ्राई करते हुए बाहर ना निकले टी से, तो उसके लिए जो है वो मैं 2 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने आलू में सारी चीज़ों को। इतनी देर में जो है ना मेरा मैदा था उसको काफ़ी हद तक रेस्ट मिल गया, तो मैंने इस तरह से 4 बना लिए हैं पेरे टाइप से। अब ये है कि इससे जो है ना मैं ये 4 रोटियाँ मेरी बेली जाएंगी। पहले ही आप लोग जो है ना वो रख कर लें डिवाइड करके, तो वो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब जो है ना मैंने इस रोटी को बेलना है, और इतना अच्छा बेलना है, इतना बारीक बेलना है जितना मुझसे बारीक बेला जाएगा। वही मैं आपको बता रही थी ना कि जितना आप जो है ना सख्त आटा रखेंगे उतनी आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपके सामने मेरे काफ़ी बड़ी रोटी जो है ना बेली गई है, एक रोटी बेली है, उसके बाद मैंने दूसरी रोटी बेली, अभी मुझे 2 रोटियों की इकट्ठी ज़रूरत थी इस वजह से। तो अब जो मेरा आलू का मटीरियल था ना वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। मैं आपको समोसा रोल 3 तरह से बनाना सिखाऊंगी, तीनों ही बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अभी ये जो मटीरियल है ना मैंने सारी रोटी के ऊपर लगा दी है, बस साइडों से जगह खाली छोड़ी है जहाँ पर मैंने जो मैदा और पानी का मिक्सचर बनाया हुआ है बाइंडिंग के लिए वो मैंने लगाया है। थोड़े से मैदे में आप पानी घोल लें तो वो आपका इजीली लग जाएगा। वैसे भी घर में जब आप रोटी बेलते हो ना मैदे की, तो इजी बाइंडिंग हो जाती है, खाली पानी से भी हो जाती है। तो उसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी बिछाई और बाइंडिंग का मटीरियल लगाया था, वहां से मैंने जो है वो इनको बाइंड कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना मैं रोटी बेल रही हूँ जितनी मुझसे बड़ी बेली जा रही है, ठीक है, आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना, ये आराम से बेली जाती है, लेकिन जितनी बड़ी बेली जाए ना उतनी आपने बेल लेनी है। अब इस
तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, इससे काफ़ी सारे जो है मैं रोल बना लूंगी एक ही रोटी से। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, जैसे पिज्ज़ा की कटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद मैंने जो अपना बाइंडिंग मटीरियल था, इसको मैं बाइंडिंग मटीरियल का ही नाम दूंगी साइंस पढ़ पढ़ के ना, तो बाइंडिंग मटीरियल था उसको मैंने दरमियान में तकरीबन तमाम के ऊपर आजा लगा दिया और इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया जिस तरह से आपने अभी देखा है। बहुत ईजी है तरीका, आप लोग साइड से रोटी पकड़ के तो उसको जो है वो रोल की फॉर्म में आगे बेलते जाएं तो आपकी जो है वो रोल तैयार हो जाते हैं, और जहाँ पे मैंने बाइंडिंग मटेरियल लगाया था उससे जो है ना एंड पे बाइंड कर दें तो ये बड़े क्रिस्पी से और मज़े के बनेंगे। आप लोग एक दफ़ा बस आज जो मैंने बनाया ना वो ट्राई करके देख लें, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा इस तरह की आज शेप्स बना रही हूँ और मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी, पता चला था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना देखने वाले वो इसमें जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा फिर तीसरी रोटी मैंने बेली, वो भी उसी तरह से जितनी बड़ी हो सकती थी उतनी बेली, उसको जो है ना मैंने तीन पार्टीशन कर दिए, तीन पार्टीशन ना। आप चाहे तो साइड से वो जो गोल गुलाई होती है उसको कट कर सकते हैं स्क्वायर शेप देने के लिए और फिर तीन में कट कर दें, मैंने ज़्यादा नहीं किया। अच्छा फिर उसके बाद जो एक रोल फॉर्म बना के ना, वो जो आलूओं का मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने रखा है, एक रोल की फॉर्म दे दी है, एक साइड पर जो है ना मैंने बाइंडिंग मटीरियल लगाया और एक साइड पर रोल रखा और फिर उसको रोल अप करके तो बाइंडिंग कर दी मैंने उसकी, तो ये भी बड़ा ईजीली बन जाएंगे। ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं बनाना। दूसरा ये कि ये बजट फ्रेंडली भी है, ठीक है आपके घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी लेकिन फिर भी जब आप इन बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़े की लगेंगी। अच्छा जब मैंने एक रोल बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा सा मटेरियल जो है ना इसमें चेंज कर लेती हूँ, जो मैंने प्याज काटा था ना बारीक बारीक वो भी मैंने ऐड कर दिया और शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड की, इससे ये है कि टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है ना मैंने दूसरे रोल बाकी सारे बनाए थे, और जिस तरह हम रेगुलर समोसे खाते हैं ना, अब तक तो इतने रोज़े गुजर चुके हैं कि खा खा के थक चुके होंगे, तो ये एक जो है ना नई मज़ा आएगा एक नई चीज़ खाने में। तो खैर अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो एक और रोटी बेली थी उसको मैंने शेप दे दिया। आपके पास कोई ग्लास इस तरह का स्टील का पड़ा हुआ या शेपर पड़ा हुआ है, कटर कोई पड़ा हुआ है तो उसकी मदद से आप शेप कर दे लें जितनी आप जो है ना गुलाई रखना चाहते हैं, बड़ी या छोटी, मैंने आज थोड़ी छोटी रखी है। तो ये है कि इसकी मदद से जो है ना मैं रोज़ समोसा बनाऊंगी, तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे बना रही हूँ। अच्छा करना ये है कि जो मैंने अपनी गोल रोटियाँ बनाई हैं ना, एक रोटी मैंने ली और उसके ऊपर मैंने आलू का जो मिक्सचर है ना उससे एक बॉल बनानी है उसके साइज़ के हिसाब से, बहुत बड़ी नहीं बनानी कि वो बाहर ना निकल आए, ठीक है। फिर उसको दरमियान में जो बीच वाला हिस्सा है गोल रोटी के उधर रखना है और चारों साइडों से ना कट लगानी है। ये जो चारों साइडों से कट लगाएंगे ये बीच का हिस्सा छोड़ के लगानी है, और ये है कि ये जो है ना हमारे पास एक पत्तियाँ टाइप आप कह लें, किसे मैं पत्तियां बोलूंगी, पत्तियां बन गई। और ये है कि आप जो चारों साइडें हैं ना उस पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि घर में ही आटा गूंदा हुआ था तो वो इजीली चिपक गया था। फिर एक एक पत्ती उठा के ना जो बनाया है बॉल उसके साथ जो है ना चिपका देना है और इस तरह से एक रोज की शक्ल दे देनी है। बहुत ईजी है, ईजिली बन जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, क्रिएटिविटी है, लेकिन बन बहुत ईजिली जाती है जैसे ये बनी है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। ये फिर मैंने बड़े थोड़े बड़े साइज की रोटियां जो है वो कट कर ली थी ग्लास की मदद से। इसमें मैं ये कर रही थी कि मैं टिक्की बना के पहले इसमें मैंने चीज रखी है थोड़ी सी, ताकि थोड़ी सी ना डिफरेंट फ्लेवर आ जाए, आपकी मर्जी है। तो उसको जो है वो दरमियान में रख के तो चारों साइडों से मैंने कट लगा लिया, जिसको मैं पत्ती कह रही हूँ अब बाइंडिंग मटीरियल, वो मैंने साइडों से लगा दिया। एक एक पत्ती उठा के जो है ना मैं बॉल के साथ जो है वो चिपका दूंगी, और बहुत हल्के हाथों से ये काम करना है, ज्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने। ये कि घर में आपने पट्टी गूंदी हुई है तो इजीली जो है ना चिपक जाएंगी, और ऊपर से जो है वो आप शेप दे दें फ्लावर की तरह। मैं थोड़ी थोड़ी जो है साइडों से वो उसको कर रही हूँ तो ये बड़ी प्यारी सी और खूबसूरत सी जो है ना रोज हमारे पास तैयार हो जाते हैं, और रोज समोसा जो है वो बन जाता है और बनते भी मजे के, और ऐसा भी नहीं होगा कि इनमें से कोई भी मटीरियल जो है ना बाहर निकले, आपने उसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं। तो ये तीनों जब मैंने बना लिए, इसमें ना मेरा इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत है ना आसानी से मेरा जो है ना इफ्तार तैयार हो गया था। अब ये है कि आपने फ्राई कैसे करना है, फ्राई ऐसे करना है कि पहले तेल को अच्छे से गर्म करना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम के ऊपर। पहले मैंने जो सबसे पहले रोल बनाए थे वो डाले हैं, और ये है कि जब जैसे ही ब्राउन होगी एक साइड तो दूसरी साइड पे मैं टर्न कर दूंगी, अपनी मर्जी का कलर जब आ जाएगा और थोड़े से क्रिस्पी बन जाएंगे तो मैं इनको निकाल। जब आप बहुत ज्यादा डालते हैं ना एक साथ इस तरह से चीज ऑयल में तो वो उसका टेम्परेचर नेचुरली डाउन हो जाता है, तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है फिर कलर आते आते। तो सिंपल है, जैसे जो है ना आप बनाते हो समोसे और रोल वगैरह उस तरह से ये इजीली बन जाता है।
और जो दूसरे रोल थे वो भी मैं इसी तरह से डालूंगी, कलर दूंगी और फिर साइड्स बदल लूंगी और फिर इस तरह से ये भी इजीली बन जाएंगे, मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा। अब जो मैं बनाऊंगी रोज़ समोसा, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है रोज़ समोसा बनाते हुए। पहले तो ये है कि मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने सारी रख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने साइड बदलनी है, जब आपको लगे कि साइड ब्राउन होने लगी है उसको बिल्कुल उल्टाइएगा नहीं, जिस साइड से ना बॉल नजर आ रही है बस ये कि साइडों से जो है ना उल्टा उल्टा के आपने जो है इनको ब्राउन करना है, इजीली हो जाएंगे। जो बड़ी बॉल्स थी उनमें जरा मुझे टाइम लग गया था, उसकी वजह ये थी कि मैंने जो है ना बिल्कुल डीप फ्राई ऑयल नहीं लिया। आप डीप फ्राई करेंगे तो वो फिर इजीली हो जाएगा। तो ये बड़े मजे के जो है मेरे तैयार हो गए और सब लग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ रहे थे, मटीरियल एक था लेकिन जो है ना सब थोड़े थोड़े डिफरेंट लग रहे थे, और क्योंकि इनकी शेप चेंज थी तो इनके खाने में जो है ना फ़र्क आ रहा था और मज़े के भी बने थे। बनाए मैंने पहली दफ़ा ऐसी शेप्स दी हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद आए थे, और ये बड़ी बात है उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उनको जब पसंद आती है तो मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज़ जो है ना अच्छी बनाई है, क्योंकि वो बहुत कम तारीफ़ करते हैं और ज़्यादातर तो वो जो है ना बस अगर चीज़ खा रहे हैं तो बस इसका मतलब है कि उनको चीज़ पसंद आ गई है, और जब वो मुँह से बोलते हैं तो इसका मतलब है कि चीज़ बहुत अच्छी बन गई है। इतनी देर में मिराल ने ये कार्रवाइयाँ डाली हैं। आगे कौन सा सपारा हो गया? कौन सा सपारा है? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم। जब मैं चीज़ों वगैरह से फारिग हुई तो फिर मैंने मिराल को देखा। मिराल जो है ना मैं किचन में हूँ तो वो किचन में ही रहेगी और हर चीज़ से पंगा लेगी। बहुत ये मसला होता है मुझे, खैर कि एक काम से फारिग होती हूँ फिर दूसरे काम में लग जाती हूँ चीज़ें वगैरह समेटने में। तो फिर उसको चेक किया मैंने और फिर बाकी को चेक किया, उनसे पूछ लिया किस पारा कौन सा पढ़ रहे हैं, वो अपना आराम से अंदर पड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल ना करो। फिर उसके बाद जो है वो अफ्तारी वगैरह मैंने लगाई, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थी, और साथ में मैंने क्रीम चाट बनाई हुई थी और साथ जो है ना मैंने आलू बुखारे का शरबत, याद होगा आपको रमज़ान से पहले बनाया था, तो उसमें यह है कि मैं उसमें जो है ना 7 अप डाल लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड पहले नहीं पीते थे लेकिन अब वो पीना शुरू हो गए हैं इस तरह से ना, तो इस तरह एक टेस्ट भी जो है ना बड़ा मज़े का बन जाता है। तो इस दफ़ा तो ज़्यादातर मेरे ड्रिंक्स में 7 अप गई ही गई है। खा रही हूँ, हाथ में खाना जो है इसलिए हंस रही है। विराल आप लोगों ने ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना कि कैसी बनी है। इधर उधर जो सर्च कर रहे थे तो मैंने फिर आपको वीडियो दे दी अच्छी सी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।